ऐसे गीत का थोड़ा सा एक गीत की तरफ चलते हैं। हाँ, जवाब ऐसे होता है। जे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दो। क्या बात है अनुदान, क्या पूछती है सात जात उसकी निराली बात। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूछती है सात जात उनकी निराली बात। अरे देवियों में देवी महान है गई है, सीता सावित्री से गीता गायत्री से, इन सब रे ऊंची की शान हो गई है। इन सब में ये ऊंची शान हो गई है। क्या एक खानदान की बात सुन प्रमाण की। अरे अरे ज्ञानी से जनता हैरान हो गई है। अरे कैसो निरालो ढंग मिलो ना पति से अंग, और बिना पति के ही संतान है गई है। क्या बात है, बिना पति के संतान हो रही है। हाँ, राजू कहाँ है भैया? सुनिए, राजू कहाँ है भैया? ताली बढ़ा भैया, गोरख बना ली माइक बढ़ा भैया, ढोलक की ताली भैया बढ़ा दो। तुमसे कुछ कहने में नहीं आता। हेलो, पुरानी बात याद आ जाती है। हाँ छोड़ो। हेलो हेलो, लेकिन राजू भाई। हेलो, के बाबा पिता नाती का। हेलो, सीतालाल यादव जी के सुपुत्र राहुल यादव, सिकंदरा राव वालों की तरफ से ये 20 पहले 20 फिर से आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुए। हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा, देखिए आदेश जब मिल गया है, आदेश आपने दिया है तो थोड़ा मनोरंजन भी, और मनोरंजन के साथ साथ ऐसा ही मन समझना कि ये मनोरंजन ही है। मनोरंजन भी, वो भी सभ्यता के दायरे में। जो गा रहा हूँ वो सत्य बात है, गलत नहीं है। समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। क्या बाबा पिता नाती का, अरे लेख है देखो सच्चा। अरे बिना पति के छुए तेरी अम्मा बन गई चच्चा। बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चच्चा। बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चच्चा। चाचा, अरे बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चच्चा। सब मुस्कुराए गए, जाई बात भाई संतुष्ट करूंगा। सुनिए, कौन थी वो अम्मा जो बिना पति के छूते ही और जच्चा बन गई। बाबा पिता नाती का लेख है देखो सच्चा। अरे बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई जच्चा। बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई जच्चा।
उस आदि शक्ति माने, उस आदि शक्ति माने पैदा किए हैं शंकर, उस आदि शक्ति माने पैदा किए जिन्हें हम शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। उस आदि शक्ति माने पैदा किए हैं शंकर, और शंकर को आज दुनिया श्रद्धा से पूजे घर घर, श्रद्धा से पूजे घर घर, श्रद्धा से पूजे घर। उस आदि शक्ति ने देखा न मुखपति का, और पैदा किया है बच्चा, देखा न मुखपति का पैदा किया है बच्चा, तो बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा, बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा, बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा। भगवान शंकर को पैदा किया शक्ति ने। सुनिए दूसरी बात, शंकर का बिंदु अंजनी किया गर्भ में धारण, किया गर्भ में धारण, किया गर्भ में धारण। आप सभी जानते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग बंदन। शंकर का बिंदु अंजनी और किया गर्भ में धारण, जन्मे है वीर हरबत जो है नहीं साधारण, जन्मे वीर हरबत जो है नहीं साधारण, जन्मे वीर हरबत जो है नहीं साधारण। क्वारी थी कन्या अंजनी, उन अंजनी के हनुमान जैसे वीर पुत्र पैदा हुए, और उसमें साफ लिखा है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, जय हो, तेज प्रताप महाजग वंदन, विद्यावान गुणी यत चातुर, राम काज करवे को आतुर। दुश्मन के घर में जाकर, दुश्मन के घर में जाकर अरे उड़ा दिए पर खच्चा। सुनिए, दुश्मन के घर में जाकर उड़ा दिए पर खच्चा, अरे बिन पति के बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा, बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा, बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई चाचा। आइए तीसरी बात, हाँ सुनिए, हनुमत के पसीने का और तीसरे सुनी। एक और विशेषता है इस गीत के अंदर, सुनिए, एक और विशेषता है कि आदि शक्ति ने शंकर जी को पैदा किया और शंकर जी के बिंदु से हनुमान जी पैदा हुए। अब हनुमान जी के बिंदु से ये देखिए कौन पैदा होता है। सुनिए, हनुमत के पसीने से, हनुमत के पसीने को मछली ने पान किया, मछली ने पान किया, मछली ने पान किया, अरे मकरध्वज, मकरध्वज नाम के बेटे को जन्म दिया।
और इस बात को हमारे आचार्य महोदय जी अपने मुखारविंद से, हम दोनों का पात्र चल रहा था रामलीला के अंदर, जय हो, स्वयं ये हनुमान थे और हम मकरध्वज थे, और ये बात थी वीर साय नगला की। जब हम मकरध्वज बन के आए थे तो हमने कहा, मैंने बंदरी के बच्चे, ओ श्रीपाल भाई जाना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मकरध्वज ने कहा आज्ञा स्वीकार की तो फिर अपमान चूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा है वृद्ध की अभिमान चूर्ण हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ श्रीपाल जी, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ, लौट के आ जाओ, समझ लो बात को, इशारों में हो रही है बात। आचार्य महोदय जी हमसे कहने लगे, गए मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, मैं ही हनुमत हूँ इधर देख, अरे प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। फिर मैंने इनको विस्तार से बताया, कर लंका दहन पिता ने जब वे जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी, अरे मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया देव क्रम से उसको ये मकर ध्वज सा लाल उसे। इसी पर ये आदरणीय दादा गोवर्धन प्रेम नगर वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार हुआ, हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तब हनुमत के पसीने को मछली ने पान किया, मछली ने पान किया, मछली ने पान किया, अरे मकर ध्वज नाम के बेटे को जन्म दिया। क्या रामू रे सम अपनी रामू शर्मा कलम से लिखते, देखो ये लेख नहीं कच्चा, रामू शर्मा अपनी कलम से लिखते न लेख कच्चा, इसलिए बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई जट, बिना पति के छुए इनकी अम्मा बन गई जट। एक एक घंटा लगे, पने दो घंटा लग रहे, उन्हें बढ़िया लगे, मैं तो भाई गावर रुकूं आज संजय भैया जवाब ही काय को है रहा है। एक साल चलिए जैसा कहा है तो जवाब तो देना है भी है। बहुत शहर बोल रहे हो आजकल, लेकिन कौशल जी सुनिएगा, सुनाइए। मैं केवल पहले तो आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप शहर बोले तो मैं इधर विपक्ष में बैठा हूं, तो मेरी लिखी हुई शहर ना बोले। बहुत सुंदर, पहली बात, क्योंकि आप अभी बोल करके गए हैं कि सूर्य में तेज है इतना कि कोई टिक नहीं सकता,
दादा मैं केवल एक लाइन कह रहा हूँ, वो पीछे चलिए रेशम भाई तो कहीं तक बढ़िया लगाते हैं शेरवाजी, लेकिन जो ये पीछे झींगा मास्टर हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि इनका स्वर कहाँ है, ये चिल्लाते कहाँ है। बहुत सुंदर। अब देखिए बात रही कि चंद कलियों के मुस्कुराने से ये बात है ना, दर्द जागे कई पुराने से, ये दो कदम में तो चल नहीं सकता, दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। क्या बात, ये है गाना बजाना, इसे कहते हैं ये गाल बजाना नहीं है, गाना बजाना है। वो कह रहे हैं कि मैंने खूंटा ऐसा काट दो कि जहाँ पे बंदे रहते हैं जिन काका बंदे रहते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी बात गाएं बस थोड़ा स्वर में गाएं, ये तुम्हारे बैकियर ये मंडल कई मंडल बेकार दिए ऐसे कलाकार। ये कह रहे थे कि वो बेर उस द्रोणागिरी पर्वत पर नहीं गिरा है, वो उर्मिला के पास गिरा है। तो ये रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उससे भी बढ़कर ये कवि हैं। भक्त इंसान भक्त इंसान को हंसकर भी रुला देता है, राम शर्मा जी कह रहे हैं यही शहर है। भक्त इंसान को हंसकर भी रुला देता है, भक्त इंसान को हंसकर भी रुला देता है, भक्त इंसान की पहचान करा देता है। अरे भक्त से बचकर रहो ऐ भक्तो, ये भक्त इंसान को भूखा भी सुला देता है। ये बात है ना, ये तो अंदर की बात है। वैसे हमारे चलिए पहले जवाब की तरफ, उसके बाद कहा है क्या, और ये तुम जो चले मेरी बुलबुल, कि तुझे दिल में बंद कर दूं दरिया में फेंक दूं चार, दिल में बंद कर दो दरिया में फेंक दो चार, तुझे दिल में बंद कर दो दरिया में फेंक दो चार। देखिए आपने दिखाया का कुछ पैदा दिखाए, लेकिन मैं और क्या दिखा रहा हूं ये देखो, सुन लो अपने बाबा नाथी पिता सब सुन लो, यही समस्या आई तो वशिष्ठ जी ने शोध कर ये पृथ्वी खुदवाई, और जब पृथ्वी को खुदवाया गया तो
तो उस पृथ्वी में हुए कौन, उसमें ना माए उनकी और ना बाप है, मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ यहाँ, लेकिन अलग से कैसे तस में रथ में माया, अरे दशरथ एक निखाचा नौ रथ निकले, खोदा गया नौ रथ निकले और जब दसवां रथ निकला उसमें दशरथ बैठे हुए थे, दशरथ जी बैठे हुए थे, तो मैं कह रहा हूँ दशरथ एक निखच्चा, तब ये भी तो बिना पिता के देखो ये पैदा हो गया नहीं। और ये हमारे छोटे लाल शासनी के, हमारे सम्मानीय रेशम जी के चाचा जी के कर कमलों द्वारा ये 21 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हुआ है, हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। राम लखन और भरत शत्रुघ्न हुए खीर से पैदा, तो वाल्मीकि ने कुश को देखो पैदा किया अलैरा, उसको भी कुसाव से पैदा किया है वाल्मीकि, उसको अलग पैदा कर दिया, तब तब बाबा पिता और नाती ने या कह गए, तीनों है रहे, देखो तीनों है गए, कहना है गए बाबा बाबा पिता और नाती तीनों, तीनों के पिता ना है, तब बाबा पिता और नाती ने देख लो खाया नहीं था खाया, तब अरे बिना